हाँ जी, आज एक और लैपटॉप है X360 1030G3। इसके कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, कुछ कीज़ काम नहीं करती हैं, देखें। ठीक है, ख़ास तौर पे ये वाली कीज़ इंटर और उसके साथ वाली, देखें कोई रिस्पांस नहीं, उसके आगे वाली काम करेगा। ये की बिल्कुल काम नहीं करते, चेक करते हैं फिर क्या है, क्या प्रॉब्लम, बल्कि कीबोर्ड चेंज करते हैं। बैक कवर खोल लेते हैं पहले, बैटरी निकाल रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद सब जैक हटा दें। वाईफाई की केबल भी उतारें। ठीक हो गया, ये बोर्ड निकाल के लगाना पड़ेगा। कीबोर्ड पे बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं वैसे भी, सबसे पहले ये बोर्ड निकालना है। ठीक हो गया, पावर बटन का और निकाल दे केबल। एक स्क्रू ड्राइवर इस साइड पे भी है, वो भी निकालना। ठीक है, बोर्ड निकाल लिया, उसके बाद ये देखिए ये सारे स्क्रू हैं, वन बाई वन सब निकलेंगे। स्मॉल स्क्रू हैं, सब बाहर हैं ये। ठीक है, अभी कीबोर्ड निकाल के फिर दोबारा से मैं आता हूँ, वेट करेंगे। ये उतार लेना है पहले, ठीक है, आराम से। ये बैक लाइट है इसकी, अगर आप चाहें तो दूसरे कीबोर्ड पे बहुत दफ़ा नहीं होता, बैक लाइट नहीं होती, तो ये दोबारा लगा सकते हैं उसके साथ, नहीं तो वैसे भी कीबोर्ड लगा सकते हैं। और इधर देखें अब स्क्रूज कितने हैं इसके, ये सारे स्क्रूज लगे हुए हैं।
कम से कम 3 दर्जन से भी ज़्यादा स्क्रूज हैं ये खोलने के बाद। ठीक है, फिर फिट करते हैं दूसरा कीबोर्ड। हाँ जी, सब पेज खुल गए हैं, ये देखें। दूसरा कीबोर्ड लगाते हैं फिर। अच्छे तरीके से पहले इसको बिठा दें। केबल्स एहतियात से घुमा लेंगे। ठीक हो गया, दोबारा से पेच लगा रहे दोबारा से बाइक बैक लाइट कवर भी लगा देना। ठीक हो गया, ये टेप हटा दे। ठीक हो गया, इसको फिट कर लेना ऐसे। अच्छे तरीके से फिटिंग करने के बाद बोर्ड दोबारा से लगा दें। सब केबल अच्छे तरीके से लगा देना।
ये बोर्ड फिट हो गया, सब केबलें और लग गई। बोर्ड फिट हो गया बगैर ऑन करके देख लेते हैं। ये बैटरी वगैरह निकाली थी इसलिए ज़रा एक दो दफ़ा ऑन ऑफ हुआ। हाँ जी, ये कीबोर्ड वर्किंग कर रहा है, ओके हो गया। कीज भी चेक कर लेते हैं कि आया हमारी सब की नॉर्मल काम कर रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंटर और ये काम नहीं करा था, ठीक है। जी डन हो गया, सब की काम कर रही है, ओके।